सर लगातार हमारे बैतूल जिला में जो कबड्डी खिलाड़ी है सर, मैंने बड़े स्टेज पर मैं गया हूँ टीम लेके, सभी लोग तारीफ करते हैं कि बैतूल जिले में जो बैतूल जिले की प्रतिभाएं हैं एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये बड़े मंच पे आ नहीं पाते। तो सर हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी है ये ओनली गाँव में खेलते हैं और इनको आगे बढ़ाने के लिए आज भी कोई भी सहयोग नहीं है, कोई राजनीति वाले जो हमारे प्रतिनिधि है वो भी सहयोग नहीं कर रहे सर, ना ही हमारे जिला कबड्डी संघ के जो सचिव है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे सर। तो सर हमारे जो प्रतिभाएं हैं वो गांव में खेल रही है और यहीं पे खत्म हो जा रही है सर। तो सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारे बैतूल जिले के खिलाड़ियों को आगे पहुँचाने के लिए सर क्या प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सर मुझे दुख हुआ सर, मैं लगातार बैतूल जिले में सर 7 से 8 साल से मैं लगातार बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और इसके बाद भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, पर मेरे हुनर को संस्कार एकेडमी पचोर ने पहचाना और उन्होंने मुझे वहाँ पे जॉब का ऑफर दिया और मैं वहाँ पे जाके जॉब किया। मैंने 3 महीने में तैयार किया सर, नेक्स्ट मध्य प्रदेश में CBSE क्लस्टर में सिल्वर मेडल जीती मेरी टीम। मैंने सर लगातार मेहनत किया कि मैं बैतूल जिले का एक आदिवासी अंचल का रहने वाला बच्चा हूँ और मेरे ये प्रयास था सर कि मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ स्कूल को रिजल्ट दूंगा। मैंने लगातार प्रयास किया सर और सिल्वर मेडल जीती, वहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश की टीम आई थी, 50 टीमों में से सेकंड नंबर रही हमारी टीम और पूरे 12 खिलाड़ी को मैंने नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। हरियाणा में करनाल में मैं नेशनल करवा के लाया हूँ मेरी टीम को, ये मेरे बैतूल जिले के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और जो कि इस बात का है कि मेरे बैतूल जिला कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैं मुझे जाना था वो चीजें तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैतूल जिले के जो छोटे छोटे युवा हैं जो खेल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा सर। मैं चाहता हूँ कि मैं वहां ना जॉब करके मैं बैतूल जिले में ऐसे कुछ आपके मार्गदर्शन से कुछ हमें थोड़ा सा आशीर्वाद मिलेगा कि हमारे बैतूल जिले के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं मेहनत कर सकूँ, ऐसी उम्मीद है सर। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे छोटे भाई सम्मानी रवि इवने जी, उनकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी लगभग कबड्डी को 1 जनवरी से जान रहा हूँ, अब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एक दिन मैंने प्रकाश भाई से बात किया था, शिवम भाई से, अब काफ़ी कुछ समझने लग गया हूँ। पर मैंने देखा कि हमारे बैतूल जिले में इतनी सारी प्रतिभाएं, एक आप तो हमारे बैतूल जिले के गौरव है, नो डाउट, उनके लिए एक बार तालियां रवि भैया के लिए। लेकिन बात जब आती है, बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र का जब खिलाड़ी जब आगे बढ़ता है तो सबसे बड़ी समस्या गाइडेंस और दूसरा आर्थिक मदद और तीसरी बात जो सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे बैतूल जिले में कोई एकेडमी नहीं है। शासन प्रशासन के माध्यम से भी पता नहीं कौन कौन से गेम कराए जाते हैं जिनको हमारे बैतूल जिले के लोग जाते हैं, तो ऐसा गेम कराएंगे तो अपने समाज के लोगों को, हमारे क्षेत्र के प्रतिभाओं को कोई फायदा मिलने वाला नहीं। लेकिन मैंने सोचा